गांधी पीस प्राइज गीता प्रेस गोरखपुर को दिया जा रहा है। गीता प्रेस गोरखपुर का इस देश के साहित्य में, विशेषकर आध्यात्मिक साहित्य में, बहुत विशेष योगदान है और उनके जो संस्थापक थे हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, जिन्होंने पूरा जीवन आध्यात्मिक पुस्तकों को संकलित करने का और लिखने का काम किया और बहुत सस्ते दामों पर समाज में उसे उपलब्ध कराया। ये जयराम रमेश जी उसका विरोध कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर ऐसे प्रतिष्ठानों को ऐसा पुरस्कार नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा? ऐसे सब प्रकार के जो ऐसे आध्यात्मिक लोग हैं उनकी तुलना आप किसी से भी करेंगे ये अपनी मनमानी है, और गोडसे या सावरकर से उनको जोड़ना वो बिल्कुल अलग प्रकार की बात है। वो विरोध कर रहे हैं सावरकर का या गोडसे का, तो वो करिए विरोध, लेकिन गीता प्रेस गोरखपुर का एक बड़ा अहम योगदान इस देश के साहित्य के लिए है, तो उसको अगर गांधी पीस प्राइज मिल रहा है तो ये अच्छी बात है। उनको विरोध के कारण इतना विरोध में उतर गए हैं कि हर व्यक्ति को वो गोडसे और सावरकर से जोड़कर देखने लगे, इसलिए ये इनका मानसिक दिवालियापन है।